हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आइए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं क्या पिछले 5 सालों के जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके शैक्षिक तकनीकी एवं ICT से BEd फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर से, वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, पहले सबसे पहले आपसे क्या है शैक्षिक तकनीकी के बारे में, शैक्षिक तकनीकी की अर्थ, परिभाषा, विशेषता और इसके अलावा इसके प्रकार और इनकी जो 3 उपागम है दोस्तों, कठोर उपागम, कोमल उपागम और सिस्टम उपागम यानी कि प्रणाली उपागम। अब आइए इतना समझ के ये देखिए आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। शैक्षिक तकनीकी के कठोर शिल्प उपागम क्या है बताइए भाई, क्या है दोस्तों। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है शैक्षिक तकनीकी के कोमल उपागम से आप क्या समझते हैं और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अप्रोच, यानी कि कठोर उपागम और कोमल उपागम में फर्क बताना है और शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताओं का उल्लेख करिए और शैक्षिक तकनीकी के अर्थ की विवेचना कीजिए, शैक्षिक तकनीकी के उपागमों के परीक्षण कीजिए और शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों रूपों का वर्णन कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपसे सवाल पूछा गया, बिल्कुल मैंने जो कहा था वही पूछा गया है। और शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, प्रणाली उपागम की संकल्पना स्पष्ट कीजिए और व्यवहार तकनीकी से आप क्या समझते हैं, व्यवहार तकनीकी में कौन कौन से मूल तत्व निहित हैं और तकनीकी औपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक की एक निरौपचारिक शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच का वर्णन करना है। चलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए, शिक्षा की प्रौद्योगिकी और शिक्षा प्रौद्योगिकी के बीच अंतर स्पष्ट करिए दोस्तों, इस पर चर्चा करिए। ये हो गए आपके टोटल प्रश्न शैक्षिक तकनीकी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या है, एक सेकेंड, ये दोस्तों मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है और वहाँ का मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ लिंक मिलेगा। पहले लिंक पे क्लिक करिए, आपको इसमें शैक्षिक तकनीकी की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं और इसके 3 उपागम, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बस एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है, वो क्या, शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों के बारे में। उसको भी जल्द अपलोड करके यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट में जाइए और इस वीडियो को देखिए, बस खत्म। टेंशन नहीं लेना दोस्त, सारे प्रश्नों को हल किया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है दोस्तों, शैक्षिक ये कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम और शैक्षिक तकनीकी की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और इनके बारे में इनका उपयोग क्या है शिक्षा में, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ठीक है। अब आइए पहले प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आप ICT के घटकों का वर्णन करिए, ICT संप्रेषण के विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है। ICT ने कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, ICT के यूज से एजुकेशन कैसे बढ़ गया, ICT की सीमाएं क्या है, भारत में ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा प्रसार का निर्णायक भूमिका निभाई, विवेचना करिए, संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ बताना है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, प्रभावी संप्रेषण की शर्तें बतानी है और दोस्तों ICT का उचित अनुप्रयोग और निर्गत के लिए आवश्यक शर्तें बताने हैं, शिक्षण में शिक्षक में प्रेषण के महत्व की चर्चा करिए और एक स्मार्ट क्लास, दोस्तों स्मार्ट क्लास पता है ना जो डिजिटल पे बढ़ाते हैं, तो एक स्मार्ट क्लास में ICT के प्रभावी उपयोग के लिए एक शिक्षक को स्मार्ट होना चाहिए, कक्षा में ज्ञान के सृजन में ICT की भूमिका आलोक, कहने का मतलब है ICT क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए, इसके बारे में पूछा गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, उसी में आइए। इस प्रश्न के लिए भी जब नीचे आएंगे ना तो आप देखेंगे आपको इसमें ICT के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, ई लर्निंग के बारे में अर्थ, परिभाषा, विशेषना, महत्व सब बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप आइए या फिर नीचे कमेंट में आइए, वहाँ पे आपको बताया। चलिए दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं, ठीक है, शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के प्रतिमानों की विशेषताओं का वर्णन करिए, ओके। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की संकल्पना और प्रक्रिया का वर्णन करिए, अपनी पसंद के एक शिक्षण प्रतिमान का वर्णन करिए
और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण प्रतिमान क्यों सहायक है इसकी व्याख्या करिए, और किससे शिक्षण प्रतिमान को आप सर्वोत्तम मानते हैं और क्यों तर्क दीजिए, और संकल्पना प्रतिमान अटेंटमेंट मॉडल की उपयोगिता तथा विशेषताओं का वर्णन करिए। दोस्तों इसके बारे में भी देखिए यहाँ पे शिक्षण प्रतिमान के अर्थ परिभाषा प्रकृति और विशेषता बताई गई है दोस्तों, ठीक है। तो अगर अभी तक टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत फायदा हो जाएगा आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और दोस्तों इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको आप स्वयं से करने वाले हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है कि देखिए इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है टीचिंग में, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट के यूज़ बताइए, भूमिका बताइए, सब आपको लिखना पड़ेगा। एक शिक्षण संस्थान में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं कि कंप्यूटर अधिगम में सहायक है, बताइए आप हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। आवश्यक शर्तों के साथ अपने तर्क दीजिए, चलिए तर्क दीजिए, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। इंटरनेट और अंतरजाल के, अरे वही अंतरजाल और अंतरजाल ये क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ, मैं इसको पढ़ूंगा। अंतरजाल एक्चुअली बहुत हिंदी लिख दिया ना, अंतरजाल का मतलब तो इंटरनेट होता है, अंतरजाल आई डोंट नो। चलिए ये एक नंबर में पूछा गया था 2017 में एक बार, तो बहुत टेंशन नहीं लेना। शिक्षण एवं अधिगम में संगणक कंप्यूटर क्यों आवश्यक है, बताइए भैया क्यों आवश्यक है, खुद से लिखना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर को परिभाषित करिए और इसके लक्ष्यों को एवं वर्गीकरण का वर्णन करिए, ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो लिखिए, ठीक है। ई लर्निंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। ई लर्निंग क्या होता है भाई, ई लर्निंग मतलब इंटरनेट के द्वारा सीखना, ठीक है। ई अधिगम सेम वही बात आ गई, ठीक है। मिश्रित अधिगम क्या है, अधिगम के गुणों एवं दोष को लिखिए इसके। और CAL का मतलब कंप्यूटर एसोसिएट लर्निंग, ये भी वही बात हो गई, कंप्यूटर एसोसिएट लर्निंग। कंप्यूटर सहायी अधिगम के लाभ एवं दोषों की चर्चा करिए। कौशल की संप्राप्ति में आधुनिक तकनीकों की भूमिका बताइए, स्किल्स को सीखने में, स्किल्स को प्राप्त करने में आधुनिक तकनीक का क्या उपयोग है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है कि इसके आंसर्स आप स्वयं से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उन वीडियोस को देखिए, आप स्वयं से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बॉस, अभी तक आपने देखा हमने क्या क्या पढ़ा, शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ा नहीं, क्वेश्चंस देखें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, शिक्षण प्रतिमान और कंप्यूटर। अब आइए कुछ और, बस दो तीन पॉइंट आपका रह गया है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है दोस्तों अभिक्रमित अधिगम। अभिक्रमित अधिगम को कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग, इसके बारे में वीडियो नहीं बनी है, जल्द बन जाएगी, आप उसको चेक करते रहिए, जल्द वहाँ पे बन जाएगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि प्रोग्राम लर्निंग होता क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, और यह अधिगम में किस और कैसे सहायक है इसके बारे में, ठीक है। अधिगम लर्निंग, देखिए प्रोग्राम लर्निंग के बारे में बहुत बार पूछा गया है। अब अनुदेशनात्मक अभिकल्प, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और ब्लूम का वर्गीकरण, इसका वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से इसकी व्याख्या करिए। तो दोस्तों ये जो है प्रोग्राम लर्निंग, इसकी वीडियो मैं जल्द तुरंत बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अनुदेशन उद्देश्यों का वीडियो भी तुरंत अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसको बाकी मैं ये जो PDF इसको भेज दूंगा आपके पास। अब आइए दो पॉइंट और रह गया, मॉडल मैथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। मैथड ऑफ टीचिंग होता है शिक्षण की प्रमुख विधियों का सूचीबद्ध करिए, शिक्षण में आधुनिक पद्धति पर निबंध लिखिए, समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं, विशेषताओं और कमियों को सविस्तार वर्णन करिए, मस्तिष्क विप्लव और प्रोजेक्ट विधि से में क्या अंतर है बताइए, जॉन डाई द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान के चरणों का उल्लेख करिए, और सहगामी शिक्षण विशेषताओं का उद्घाटित कीजिए, और परियोजना पद्धति से आप क्या समझते हैं, परियोजना पद्धति की विशेषताओं को। दोस्तों इसकी भी वीडियो नहीं बनी है, जल्द आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं जल्द ही अपलोड इसका कर दूंगा। अब भाई एक और प्रश्न दोस्तों जिसको आपको खुद से करना है, वो है दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज, मतलब कुछ आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कैसे, जैसे अधिगम में दूरस्थ कार्यक्रमों की भूमिका, श्रव्य दृश्य माध्यम संप्रत्यय बताइए, और दोस्तों जैसे कि ये देखिए शिक्षा में प्रोजेक्ट का अनुप्रयोग, CCTV कैसे सहायक है, स्मार्ट क्लास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग दूर संवाद को स्पष्ट करिए, कौशल की संपत्ति आधुनिक तकनीकों की भूमिका विचलित करिए, और दोस्तों CIET इग्नू तथा UGC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछेगा इनमें से एक जरूर पूछेगा, CIET इग्नू और UGC। दोस्तों इन तीनों के बारे में वीडियोस है अवेलेबल, ठीक है, मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, चैनल पे अपडेट करना भूल गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, एक ही वीडियो में हम इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा मत, सब खत्म करेंगे, ठीक है। फिलहाल समझिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खत्म हो गई आपकी वीडियो, वो है दोस्तों शिक्षण की संकल्पना का वर्णन कीजिए और शिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षण में कौन कौन से स्तर, ये इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिए, वो दोस्तों ये है कि शिक्षण के चरण एवं स्तरों में अंतर, बस इसको याद रख लीजिए, ठीक है। शिक्षण के स्तर के अनुसार उनको प्रभावशीलता का वर्णन करिए,
और दोस्तों प्रवृत्ति स्तर, ये आपको लगेगा कि आप टेंशन में आ रहे हैं, ये इतने सारे सवाल नहीं पूछे जाते, कभी कभी एक बार पूछा जाता है एक नंबर में, ठीक है, 17 में 19 में एक बार, इसमें टेंशन मत लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखिए, शिक्षण के चरणों और अस्त्रों में अंतर, बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा प्रश्न बनाया जाएगा जिसमें सब आ जाए, कुछ भी आए वही लिखिएगा, तो बिल्कुल घबराइए मत। जल्द ही कौन कौन से वीडियो अपलोड किए जाएंगे, खत्म हो गई आपकी वीडियो, ठीक है, खत्म हो गई। लेवल ऑफ टीचिंग एक वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा, और दोस्तों एक वीडियो में टेक्नोलॉजी का इसको हम देख लेंगे, और अगले वीडियो में हम दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग को देख लेंगे, बस इन्हीं तीनों को पढ़ना है और प्रोग्राम लर्निंग को पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसके वीडियोस आपको कंप्यूटर्स के मिल जाएंगे, और इसके वीडियोस आपके अवेलेबल हैं दोस्तों, और शिक्षण प्रतिमान के शिक्षा और ICT के भी अवेलेबल हैं, और इसके भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल घबराइए मत। चैनल से बने रहिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको सारे वीडियोस धीरे धीरे मिल जाएंगे, और ये जो पेज मैंने बनाया इस पेज का PDF भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, समझ में आया, घबराइए पहले, बिल्कुल मत घबराइए कि आपको नहीं आता। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो दोस्तों अगर पिछले साल का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो घबराइए, घबरा क्यों रहे हैं आप, देखिए पहले मेरी बात सुनिए, आपका ये जो भी इसमें ऑप्शन भी तो रहता है, इसमें दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, दो में एक करना रहता है, आप इस प्रकार से तो हम आपको तैयारी करा देंगे कि आपको दोनों में से दोनों आएगा, नहीं तो एक तो कम से कम आएगा ही आएगा, इस बात की मेरी गारंटी ले लीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। अब यहाँ देखिए, चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, शैक्षिक तकनीकी की अर्थ विवेचना, शैक्षिक तकनीकी उपागम का परीक्षण, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन करिए, शिक्षण का कौन शास्त्र अधिक प्रभावशाली है, क्यों, ठीक है। अब आइए, चलिए अब इसमें देख लेते हैं, चलिए शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं कुछ मिल जाएंगी, सब चीज़ मिल जाएगी, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। अथवा में पूछा गया, देखिए एक ही तो करना है आपको, तो आपको ये प्रश्न यहाँ पे, लेट सपोज आपने यहाँ के कर लिया, चलिए अब आइए, अब मैं आपको फिर से देखिए, अब शिक्षण प्रतिमान से ही देख लीजिए कितने प्रश्न आपके मिल गए यहाँ पे, अब आइए कहाँ गया आप, एक सेकेंड ये, हाँ चलिए वो एक मैं यहाँ पर थोड़ा सेट कर लूँ ये, हाँ चलिए शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताना है। अब आइए आगे आप चौथा में देखेंगे, तो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की संकल्पना और प्रक्रिया का वर्णन करिए, देखिए शिक्षण प्रतिमान से ये आपके दो प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए, चलिए हो गए। अब आइए ICT ने कैसे शिक्षण की गुणवत्ता को इम्प्रूव किया है, बताइए, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें मान लीजिए आपको ये नहीं आता, ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित अध्ययन, लेकिन ये तो लिख सकते हैं कि भारत में सूचना संप्रेषण की तकनीकी ने शिक्षा प्रसार का निर्णायक भूमि, बहुत आसान आएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप ऐसे चैनल से जुड़े हैं, हम कराएंगे आपका पेपर, और कोई भी बच्चा 85 से कम नहीं पाएगा, इतनी गारंटी याद रखिए, बस आप मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से मेहनत करिए और लिख के जरूर आएगा। अब सेक्शन बी की अगर आप बात करेंगे, तो सेक्शन बी में चार दिया है, आपको दो करना है, तो बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे। अब आइए शिक्षण के अस्त्रों की संकल्पना का वर्णन करिए, चलिए आगे आइए शिक्षण अधिगम में अंतरजाल इंटरनेट की भूमिका, बताइए ना, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आइए, मैंने कहा था CIT इग्नू, बहुत सही, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है, टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिएगा, सारे आपके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। चलिए इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, ये जो PDF है ये PDF मैं आपके टेलीग्राम में भेज देता हूँ, आप इससे तैयारी करिए, बाकी एग्जाम से दो दिन पहले एक दिन महामैराथन कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देख लेंगे। ओके दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आप बस पढ़ते जाइए, एग्जाम सबका बहुत अच्छा से होगा, यूँ समझ लीजिए कि बहुत 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 अच्छा होगा। चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, कमेंट में अपनी राय दें कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा लोगों को जोड़िए और मुझे मोटिवेट करिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।